नहायत अहम है और इस बारे में मैं अपने बरेलवी भाइयों से मुहातब होना चाहता हूं। मेरे बरेलवी भाइयों, आपने गुज़िश्ता चंद माह के अंदर उम्मत का इत्तेहाद देख लिया, किसके ऊपर? दिफाए सहाबा के ऊपर, हुरमत रसूल के ऊपर। अल्लाह की कसम, कितनी नफरतें थी, कितनी अदावतें थी, हम एक दूसरे के करीब आ गए, एक दूसरे की बातें सुनने लगे, उम्मत एक हो गई, मुत्तहिद हो गई। 12 रबीउल अव्वल का दिन गुजरा, पूरे पाकिस्तान में कोई इंतशार फिरकावरियत की लहर नहीं दौड़ी। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फजल है। लेकिन इसी दौरान एक वीडियो आई जिसमें खादम रिजवी साहब की के साथ मंसूब किया गया और कहा यह जा रहा उस वीडियो के अंदर, मुआद अल्लाह अजान जो शायरे इस्लाम में से। अब उस वीडियो के बारे में अगरचे उनकी तहरीक और जमात के एक अमीर हैं शुमाली पंजाब के, उन्होंने बयान दिया कि यह वीडियो जली है। वीडियो का कंटेंट यह था कि देवबंदियों और अहले हदीसों की अजान के बारे में कह रहे हैं मुआद अल्लाह, ये तो फला जानवर, गंदे जानवर का नाम लेके उनकी अजान हो रही है, इसका एहतराम क्या करना। तरदीद आ गई, तरदीद एक पंजाब सूबे के, शुमाली पंजाब के अमीर ने की। मैं अपनी जमात की तरफ से या जो जमातों के लीडर होते हैं वो तो किसी जमाती रहनुमा की तरदीद को कबूल कर लेते हैं और हमने किया भी कि उन्होंने तरदीद कर दी है। लेकिन मैं अपने बरेलवी भाइयों से और रिजवी साहब से ये बात कहना चाहता हूं, हमने आपकी जमात के बंदे की तरदीद को कबूल कर लिया, लेकिन अल्लाह की कसम ये आपके लिए फायदेमंद बात है, आपके लिए मुफीद बात है कि आप आए, आप तरदीद करें। इससे क्या होगा, अवाम जो होती है ना, अवाम वो सिर्फ कई मरतबा लीडरों की तरदीद को कबूल करने से नहीं मानती, वो कहती है कि रिजवी साहब की वीडियो है, तरदीद भी किसको करनी चाहिए? रिजवी साहब को। एक असूली अकली मंतकी बात है कि रिजवी साहब की तरफ एक वीडियो मंसूब की गई, आपके नजदीक वो जाली है। एक मिनट के लिए आए और कह दें कि यह हुरमत रसूल की तहरीक के बारे में एक साजिश है जिसकी वजह से यह वीडियो बनाई गई है, पूरे पाकिस्तान की सारी अवाम उनकी तरदीद को कबूल कर लेगी। मैं तो सिद्ध के दिल से आपको बता रहा हूं, कुछ लोगों को होता है मेरे से इख्तलाफ कई मरतबा, लेकिन मैं इत्तेहाद उम्मत की खातर उनके जमात के अमीर पंजाब शुमाली की तरफ से जो तरदीद आई है उसको कबूल करता हूं। लीडर इस बात को कबूल करते हैं, रहनुमा कबूल करते हैं, लेकिन रिजवी साहब को चाहिए पूरे पाकिस्तान की अवाम को मुतमईन करने के लिए एक मिनट का क्लिप बना दें और कह दें ये अल्फाज ना मेरे हैं, ये मेरे खिलाफ साजिश है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमा।